न जाने क्या ढूंढते हैं लोग शहर के शोर में, न जाने क्या ढूंढते हैं लोग शहर के शोर में, मुझे तो इन पहाड़ों के सन्नाटों में ही सब कुछ मिल जाता है। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने बिहार की सबसे मैजिकल प्लेस जो सचमुच काफ़ी सुंदर है, और इस जगह की खूबसूरती को चंद लफ्ज़ों में बयान कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। ये जगह जितनी काम है उतनी ही हीलिंग भी, और ट्रस्ट में यहाँ आने पर आप अपनी सारी थकान ज़रूर भूल जाओगे। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा, न जाने तुम्हें कैसा दिखा पर हमें बिहार कुछ ऐसा दिखा। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घोड़ा कटोरा, और एज यू नो के जू सफारी और नेचर सफारी का वो जो आज का दिन था वो पूरा बर्बाद जाने के बाद हम लोग फाइनली आ गए हैं घोड़ा कटोरा की तरफ। घोड़ा कटोरा एक्चुअली कल ही कवर करना था, बट यहाँ का भी टाइम ओवर हो गया था क्योंकि वो विश्व शांति स्तूप से निकलने के बाद टाइम काफ़ी हो गया था, 4:30 हो गया, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कल नहीं आ पाए थे। तो मुझे लगा कि ये शायद अनडिस्कवर्ड ही रह पाएगा, लेकिन बट लकीली ये मिल गया तो मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए। मेरे बाल बाल सब अजीब से हो गए, नेसर है काफ़ी, तो इग्नोर दैट, क्योंकि आज बारिश में भींगे हूँ तो काफ़ी कुछ थोड़ा अजीब सा हो गया है। एंड पीछे मेरे स्वाइंस देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, उनके जो छोटे छोटे चिक्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और पीछे बोटिंग भी होती है, तो अभी चलेंगे बोटिंग की तरफ। डियर फ्रेंड्स, हमें अभी घोड़ा कटोरा इको पार्क में, और ये इको पार्क जो है वो घोड़ा कटोरा के जस्ट पास में ही है, और 10 रुपीज़ इसकी एंट्री फीस है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, और एक वॉच टावर भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। वॉच टावर से जो व्यू आता है ना वो काफ़ी मिसमराइजिंग है, अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और पीछे आज मौसम बहुत ख़राब है, बट स्टिल वेदर जो है वो ख़राब होने के बाद भी वाइब्स आ रहे हैं, और बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं है तो हम लोग इजीली इसमें एक्सेस कर रहे हैं। गाइस, पूरा रेनी डे हो गया और आज कुछ भी कवर नहीं हो पाया। देखिए, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और 10 रुपये इसकी एंट्री फीस है, और जो भी चीज़ें इसके अंदर वो काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पे आपको एक टावर मिल जाता है। अभी पता करते हैं कि इस टावर में जा सकते कि नहीं, और दूर आपको वहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए, वो छोटी मोटी वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल हैं, तो काफ़ी मेसमराइजिंग व्यू है। दोनों तरफ पहाड़ी है, इस तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड, और ये टी हट है, और यहाँ पे इसके जस्ट आगे है घोड़ा कटोरा। तो घोड़ा कटोरा बेसिकली क्या है कि वहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ियाँ जो वो आके मिल जाती हैं, इसलिए उसका नाम कटोरा, वो कटोरा एक शेप बन जाता है कटोरा का, है ना, पॉट लाइक, तो उस वजह से उसका नाम कटोरा पड़ा। और यहाँ से पहले घोड़े पे से आते थे, जिस रास्ते से अभी हम लोग टोटो से आए, तो उस रास्ते से, तो इसलिए उसका नाम पड़ा घोड़ा कटोरा। टोटली बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं वो वॉच टावर की तरफ, और हम लोगों ने परमिशन लिए, अलाउ है वहाँ पे, और सीरियसली 10 रुपये में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिल जाती है यहाँ पे। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है, और इस तरफ दोनों साइड इसके पहाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज, और वो आगे जाके मैच हो जाती है। तो ये सबसे खूबसूरत पार्क, वन ऑफ द बेस्ट पार्क आई हैव एवर सीन, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील आ रहा है यार, वाइब आ रही है। एक तो वेदर ने थोड़ा सा गंदा किया है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा यहाँ पे वाइब आ रहा है, और आप देख सकते हो इस तरफ भी, राइट लेफ्ट साइड एंड इट्स राइट साइड, बोथ साइड यू कैन सी द ब्यूटी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे पेड़। सो हमारा वॉच टावर आ गया है, और हम लोग भी चलेंगे वॉच टावर की तरफ। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं वॉच टावर की तरफ, और अभी बस चल रहे हैं हम लोग। आप अल्ताफ को देख सकते हो आगे की तरफ, एक बार पाँच चक्की चढ़ के रेलिंग पे लटक कर सेल्फी लेना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, एंड की कोचिंग कैंप, ओके। तो चलते हैं, अभी थक गया हूँ, थोड़ा दौड़ाऊँ। दिस इज द स्टेयर्स, एंड यू कैन ईजिली गो अप थ्रू द स्टेयर्स। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, और सीढ़ियाँ हैं भाई साहब, लेकिन वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे से, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी
मेसमराइजिंग व्यूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे से। अब देख सकते हो सामने मेरे घोड़ा कट रहा है एंड यू कैन सी द एंटायर पार्क एज वेल फ्रॉम हेयर। ये चोटी और ये चोटी और सामने आप देख सकते हो वो सारी चोटियाँ एक साथ मैच करी हैं वहाँ पे एंड दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा है एक कटोरा सा शेप बनता है। एज पीपल सेड यहाँ के लोग बताते हैं कि ये कटोरा शेप बनाता है और घोड़ा इसलिए ऐड ऑन हुआ क्योंकि पहले यहाँ पे लोग घोड़े से आते थे तो दैट्स बिकम घोड़ा कटोरा। हम लोग और सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर जाएंगे और देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घोड़ा कटोरा के जो वॉच टावर है उसके सबसे टॉप फ्लोर पे और यहाँ से भाई साहब नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो बिल्कुल जयपुर में जो आमेर फोर्ट है लिटरली थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ उससे मिलती है कहीं ना कहीं और ये बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा है यहाँ पे। दिस साइड देख सकते हो यार काफ़ी अच्छा है काफ़ी प्यारा है। वहाँ पे भी आपको बैठने के लिए कुछ चेयर्स वगैरह हैं एंड बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। अभी चलेंगे उधर भी देखते हैं क्या क्या है और ये टी शेप वाला जो है हट शेप वाला ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लिटरली इसका जो फ्रंट बैक गेट है वो इस तरफ है बट वैसे से क्लोज रहता है एंड शेप काफ़ी अच्छा दिया गया। बीच बीच में आपको स्टोन्स डाले गए हैं वहाँ पे सोलर पैनल है वहाँ पे एक आर्क ब्रिज है और वो द लास्ट टैंक है बट काफ़ी अच्छा है काफ़ी प्यारा है। यू कैन ईजली कम एंड यू शुड हैव टू कम हियर। ओके और आज आप देख सकते हैं कि दो टॉयलेट्स हैं जो कि एक अच्छी बात है। इस आपको दूर दराज में कहीं पे टॉयलेट मिलता नहीं है तो अगर आप इनकेस अगर आपको नीड पड़ जाती है तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो और 10 रुपये ही है इसका टिकट का और उसके साथ ही आप यहाँ पे वो भी अपना फ्रेश भी हो जाते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अगर आप करना चाहो बेसिकली जब मजबूरी वाली सिचुएशन रहती तो उस पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर करने को। और पार्क बहुत अच्छा खूबसूरत सा पार्क है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि दोनों तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ मिल जाती हैं और बीचों बीच में ये पार्क है तो काफ़ी अच्छा है। पीछे आपको बादल जो है वो दिख जाएंगे और बिजली भी काफ़ी तेज़ चमक रही है और ये बैम्बू का बना हुआ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है वैसे। और यहाँ पे जो है मूर्ति है और ये ब्रिज है